दोस्तों, अक्सर हम मनुष्य अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर खुद भी काफी बेचैन हो जाते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने न केवल अपने चुनौतियों को हराया है बल्कि उनके साथ जीना भी सीख लिया है। दोस्तों, वैसे तो हमारे चारों ओर तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं और बहुत से जानवरों को तो हम अपने खुद पालतू यानी कि पेट्स से भी बनाते हैं और वो हमारे प्यारे दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन क्या हो जब उन्हें कोई तकलीफ हो। वैसे तो एनिमल किंगडम में जेनेटिक डिसऑर्डर या हम यूं कहें कि जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा होने वाले जानवरों का जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीने की चाह हो तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात हम इंसानों के लिए तो आम है लेकिन जानवरों के लिए काफी मुश्किल है। दोस्तों, तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनका जीवन आम इंसान के जैसा तो छोड़िए आम जानवरों से भी मुश्किल है। तो ऐसे ही जानवरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। The strong willed goat। दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास बकरियों को देखते हैं। बकरियां बहुत ही शांत जानवरों में आती है लेकिन आज हम जिस बकरी के बारे में बात कर रहे हैं वो दो पैरों पर चलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस बकरी के पीछे दो पैर है ही नहीं। चीन के देश में पैदा हुए इस बकरी के शुरू से ही सामने के केवल दो पैर ही मौजूद है। जब इस बकरी का जन्म हुआ तो इसके मालिक को लगा कि बकरी शायद ही बच पाएगी लेकिन अपने जन्म के कुछ दिन कुछ समय बाद ही अपने विकलांगता पे इसने काबू पा लिया और एक हफ्ते में ही ये चार पैरों के बजाय दो पैरों पर ही आराम से चलने लग गया। बकरी के मालिक के अनुसार आगे के दो पैरों पर ही खड़े होना और संतुलन बनाना अच्छे से सीख लिया है और इसे ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि इसे अपने अन्य दो पैरों की कमी भी है। वो अपने अन्य साथी बकरियों की तरह ही खेतों में घूमती है और वो खाती है जो उसके साथी खाया करते हैं। पशु चिकित्सक के अनुसार गर्भावस्था के समय ही इसकी माँ के पेट में कुछ चोट लगी होगी जिसकी वजह से इस दो पैरों वाली बकरी का जन्म हुआ। डैनियल द मिरेकल डॉग। दोस्तों, यदि हम आपसे पूछे कि सबसे वफादार जानवर कौन सा होता है तो आपके जहन में सबसे पहला नाम कुत्ते का ही आएगा। कुत्ते हम इंसानों के जीवन में काफी खास जगह रखते हैं और वो बहुत ही कम समय में हम इंसानों को बहुत खास बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कुत्तों से वफादार जानवर इस दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन आज हम जिस कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं उसने जो चमत्कार किया है वो किसी भी अन्य जानवरों की तुलना में काफी अलग है। यूएसए के शहर में रहने वाला आवारा कुत्ते के रूप में सड़क पर पाया गया था और इसे भी अन्य आवारा कुत्तों की तरह ही मारने के लिए एक गैस चेंबर में बाकी के कुत्तों के साथ बंद कर दिया गया। इस गैस चेंबर को कार्बन मोनोऑक्साइड से भर दिया गया ताकि सारे कुत्ते मर जाए। लेकिन कुछ समय बाद इस गैस चेंबर का दरवाजा खोला गया, तब डैनियल के साथ वाले साथी कुत्ते मर चुके थे। लेकिन डैनियल गैस चेंबर के दरवाजे के पास ही पूंछ हिलाता हुआ वहाँ पर खड़ा हुआ था। वहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी जानलेवा होती है। इस गैस के संपर्क में आने से हम सांस नहीं ले पाते और दम घुटने से हमारी मौत हो जाती है। लेकिन डैनियल को कार्बन मोनोऑक्साइड से कोई तकलीफ ही नहीं हुई, ना ही वो बेहोश हुआ और ना ही उसके दम घुटने से उसकी मौत हुई। इस घटना के बाद डैनियल को तुरंत ही चेकअप के लिए एक पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया जहां उसका चेकअप करने के बाद उसके शरीर में कोई समस्या नहीं पाई गई। अब भगवान ही जाने कि डैनियल के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने डैनियल को इतने खतरनाक गैस से भी बचा लिया। द टू लेग्ड काउ। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में अगले नंबर पर जो जानवर है वो है एक गाय। हमने अक्सर गाय को चार पैरों पर ही देखा है लेकिन क्या हो जब एक गाय दो पैरों पर चलते हुए हमें दिख जाए। आप जरूर चौंक जाएंगे। इंडोनेशिया में जन्मे इस बेबी का
हाल भी कुछ ऐसा ही है। जन्म से ही इस गाय के आगे के दो पैर नहीं थे और इसके मालिक को लगा कि गाय ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस बेबी काउ ने अपने मालिक को ही हैरान कर दिया। जब उस गाय ने कुछ ही समय में अपने पिछले दो पैरों की सहायता से चलना सीख लिया और वो इंसानों जैसे ही अब दो पैरों पर ही खड़े होकर चलने लग गया है, तब से ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ है और तब से लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद भी आया है और वो इस गाय के जज्बे के तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी दो पैरों पर चलने वाले गाय को देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताए। कॉपर्स फॉल। दोस्तों, हम अक्सर अपने आसपास कई तरह के बिल्लियों को उछलते या फिर कूदते हुए देखते हैं और हमें उनकी ये उछल कूद काफी ज्यादा पसंद भी आती है, लेकिन दोस्तों जरा आप सोचिए, जब कोई बिल्ली 14 मंजिल इमारत से गिर जाए तो उसका क्या हाल होगा? जाहिर है आपका जवाब होगा कि उस बिल्ली की हड्डियां चूर चूर हो जाएगी और उसकी मौत भी हो जाएगी, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क सिटी में एक ऐसा बिल्ली है जो कि 14 मंजिल इमारत से गिरने के बावजूद भी जिंदा बच गया। दोस्तों, बता दें कि काफी कोशिश के बावजूद भी रेस्क्यू टीम इस बिल्ली को बचाने में नाकामयाब हो गई थी, जिस वजह से यह बिल्ली 14 मंजिल इमारत से नीचे गिर गई। सभी लोग काफी घबरा गए थे और उन्हें लगा कि बिल्ली नहीं बच पाएगी, लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब बिल्ली को कुछ भी नहीं हुआ और वो तो धीरे धीरे खड़े होकर चलने लग गई। जानवरों के हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये पता चला कि उसके सिर्फ एक पैर में ही मामूली सा फ्रैक्चर आया हुआ है, लेकिन उसकी जान बच गई थी। हमें अपने आसपास बिल्लियां ऊंची जगहों से कूदते हुए दिख जाती है, लेकिन दोस्तों कूपर का 14 मंजिल इमारत से गिरना और जिंदा बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। द सिक्स लेग्ड डियर। दोस्तों, हमने अभी तक इस वीडियो में आपको दो पैरों पर चलते हुए गाय और बकरियों के बारे में तो बता दिया है, लेकिन जरा आप अब कुदरत के इस करिश्मे को भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिरण की जिसके चार नहीं बल्कि छह पैर हैं। जी हाँ दोस्तों, इस हिरण का पता जॉर्जिया में तब चला जब इस हिरण पर दो कुत्तों ने हमला कर दिया और जब कुत्ते के मालिक ने इसे हिरण को देखा तो वो इसके छह पैरों को देखकर काफी चौंक गए थे और उन्होंने तुरंत ही उसे हिरण को कुत्तों का शिकार होने से बचा लिया। जब उसे हिरण को जांच के लिए पशु चिकित्सालय लाया गया तब उस डॉक्टर ने बताया कि ये हिरण अपने माँ के गर्भ में ट्वीन रहा होगा और इसी कारण इसके दूसरे साथी का शरीर विकसित नहीं हो पाया होगा और यही वजह है कि इस हिरण को एक्स्ट्रा दो पैर मिल गए हैं। इस हिरण की जांच करने पर उसके दो पूंछ होने का भी पता चला जो कि कुत्तों के हमले से घायल हो गए थे। मिकुमी द सर्वाइवर। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में नाम आता है मिकुमी नामी एक शेर का। तंजानिया के जंगलों में रेंजर तब परेशान हो गए जब उन्होंने इस मिकुमी नामी एक शेर को देखा जिसके गले में एक फंदा फंसा हुआ था। तब रेंजर्स ने पशु पक्षियों का ध्यान रखने वाले लोगों को बुलाया ताकि वे सभी मिलकर मिकुमी के गले पर फंसे इस गले के फंदे को निकाल सके। आपको बता दें कि काफी मशक्कत के बाद रेंजर्स ने काफी मुश्किल से उसके गले से इस फंदे को निकाला और जांच करने के बाद पता चला कि मिकुमी के गले पर ये फंदा पिछले 3 सालों से है और इस फंदे की वजह से मिकुमी शेर के गर्दन पर चारों तरफ घाव भी देखने को मिल रहे थे। हालांकि इस ऑपरेशन में मिकुमी को काफी दर्द का सामना भी करना पड़ा पर उसको इस फंदे से छुटकारा जरूर मिल गया। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती है तो बाबी चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें।